चलिए, लैटिट्यूड्स लिखा था क्या कुछ? इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड लिख लिया था, लिखना था। ठीक है, कल जो पढ़ा वो समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, लैटिट्यूड्स हमने कल डिस्कस कर लिया था कि लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। लैटिट्यूड्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इस वजह से उन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहा जाता है। और लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज 111 किलोमीटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। दो शब्द बार बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी हैं और लैटिट्यूड्स कितनी हैं। तो जब सिर्फ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तब आता है 181, और लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं तब 179। हमने ये भी देख लिया था कि अर्थ की सरफेस पे लैटिट्यूड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से सर्टेन एंगल पर ड्रॉ की जाती है। टोटल नंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 90 है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 है। इन दोनों हेमिस्फीयर्स की जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइन अर्थ के 0 डिग्री एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से 0 डिग्री एंगल पर खींची गई हुई है, जिसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। एक है नॉर्दर्न, एक है सदर्न। इंपॉर्टेंस भी मैंने कल बता दिया था कि जब अर्थ का शेप हम देखते हैं तो वो स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप होने की वजह से सन से आने वाले सोलर रेडिएशन का एंगल विद द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल जाते जाते डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्लियर आउट हुआ? इतनी सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड में लिख लीजिए फटाफट। इट हेल्प इन, इट हेल्प इन शोइंग द क्लाइमेटिक कंडीशन, हेल्प इन शोइंग द क्लाइमेटिक कंडीशन एट अर्थ सरफेस। यहीं पर नोट डाल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का एक पॉइंट लिख लीजिए। एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, एंड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीजेस। एंड प्रेशर के ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला प्रेशर है। प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, ये एक जनरलाइज मैंने बता दिया, पर जब हम क्लाइमेट्स पढ़ेंगे तब पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैं कह रहा हूं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, पोल्स पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, क्योंकि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पर ऐसा एक्सेप्शन देखा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन शोज द हाइएस्ट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मैंने कल डिस्कस कर लिया था कि इक्वेटर जो है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा तो इवोपरेशन, अगर इवोपरेशन ज्यादा तो क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल ज्यादा, उसकी वजह से टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा था वो क्या हो जाता है? रिड्यूस। इस वजह से ओवरऑल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन का टेम्परेचर मैक्सिमम दिखाई देगा। क्लियर, डन। चलिए ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए प्लीज। अर्थ 0 डिग्री इक्वेटर, 23 एंड ए हाफ, 66 66, 90 डिग्री 90 डिग्री। सन मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है ना? ओवरऑल सन से आने वाले सोलर रेडिएशन विद द एंगल ऑफ 90 सिर्फ इसी रीजन में फॉल आउट करते हैं। ये कौन सा रीजन है?
रीजन बिटवीन किसके बीच में ट्रॉपिक्स रिसीव सोलार रेडिएशन परपेंडिकुलर थ्रू आउट द ईयर. इससे ऊपर भी कभी सन सोलार रेडिएशन 90 डिग्री के साथ फॉल आउट नहीं करेगा और इससे नीचे भी कभी सोलार रेडिएशन 90 डिग्री के साथ फॉल आउट नहीं होंगे. इट मींस दीज आर दोस क्रिटिकल एंगल्स जहां पर सोलर रेडिएशन हमेशा 90 डिग्री के साथ गिरते हैं. क्लियर आउट हो गया. अब सोच के देखो, सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन अगर इसी जगह पर रिसीव हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही होना चाहिए. इस वजह से अर्थ को तीन सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. दिस इज द रीजन इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टॉरिड जोन. क्लियर. जैसे ही इससे ऊपर गया तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम. सबसे कम कहां पर होगा, पोल्स. तो पोल्स आर नोन एज फ्रिजिड. तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट जोन. इट इज द जोन ऑफ मॉडरेट हीट जिसे हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं. कौन सा, टेम्परेट जोन भी कहते हैं. क्लियर आउट हो गया. हेडिंग डाल लीजिए, डिविडेशन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. डिविडेशन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. डिविडेशन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. थोड़ी सी थ्योरी लिखेगा. अर्थ डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस. अर्थ डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर बाय लैटिट्यूड्स. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर बाय लैटिट्यूड्स. एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाइएगा जिसमें तीन एरोज हो. ऐसा थ्री एरोज वाला एक फ्लो चार्ट बना लीजिए. नंबर वन टॉरिड जोन. ऐसे तीन एरोज कर लीजिएगा. सबसे पहले में लिख लो टॉरिड जोन. टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. ठीक है. अब सबसे पहला जो टॉरिड जोन लिखा है उसमें लिख लीजिए लोकेशन. लोकेशन कहां है, लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक्स. लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक्स. टॉरिड जोन में लिख लीजिए लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक्स. टेम्परेट जोन में लिख लीजिए लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक एंड सर्कल्स. ट्रॉपिक एंड सर्कल्स. लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक एंड सर्कल्स. और तीसरा पोलार जोन उसमें लिख लीजिए लोकेटेड अबव सर्कल्स. लोकेटेड अबव सर्कल्स. लोकेटेड अबव सर्कल्स. ठीक है. इसका सिंपल मतलब है ये मैंने अर्थ बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में. टॉरिड जोन, उसके ऊपर टेम्परेट और आर्कटिक सर्कल के और ऊपर. क्लियर आउट हो गया. तीसरा पॉइंट लिख लीजिए टॉरिड जोन रिसीव सोलर रेडिएशन. या तो सिर्फ ऐसा शॉर्ट में लिखना शुरू करिए सोलर रेडिएशन परपेंडिकुलर थ्रू आउट द ईयर. सोलर रेडिएशन परपेंडिकुलर थ्रू आउट द ईयर. सोलर रेडिएशन टॉरिड जोन में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे थ्रू आउट द ईयर. टेम्परेट जोन में लिखिएगा सोलर रेडिएशन रिसीव थ्रू आउट द ईयर. रिसीव थ्रू आउट द ईयर, मैंने परपेंडिकुलर नहीं बोला है. Receive throughout the year with an angle less than
with an angle less than 66 degree. With an angle less than 66 degree. Clear out ho gaya. And the last one, polar zone mein likh lijiye. It may or may not receive. It may or may not receive solar radiation. It may or may not receive solar radiation. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड होने के साथ साथ जब वो रिवॉल्यूशन करती है सन के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसी अर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां होगा, एंटार्क्टिक सर्कल यहां कहीं होगा, तो एंटार्क्टिक सर्कल के बाद साउथ पोल पर कोई सोलर रेडिएशन नहीं पहुंचेगा. इसलिए मैंने बोल दिया कि यहां भी सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच रहा है. ये स्थिति ऐसी हो गई, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई. तो इस केस में आर्कटिक सर्कल के ऊपर सोलर रेडिएशन नहीं पहुंचेगा, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहा होगा. तो ये वो एरियाज होते हैं जहां पर सोलर रेडिएशन पहुंचते भी हैं कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं पहुंचते. इस वजह से इनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. क्लियर आउट हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट. लॉन्गिट्यूड्स हेडिंग डाल लीजिए, लॉन्गिट्यूड्स. मैंने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी आपको बता दिया, लैटिट्यूड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी आपको बता दी, लैटिट्यूड्स बनती कैसे हैं वो भी आपको बता दी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है और ग्रेट सर्कल क्या होता है और वो डिवाइड करती हैं अर्थ को दो हेमिस्फेयर में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा सबके लिए, जो भी आज फर्स्ट डे बैठ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड सबको समझ में आएगा. ध्यान दीजिएगा प्लीज, जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं तो लॉन्गिट्यूड का मतलब वो लाइंस होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे ऐसे वर्टिकली ड्रॉ हो. अगर यही अर्थ आप कंसिडर कर लें तो आप लोगों के हिसाब से ये नॉर्थ पोल होना चाहिए और ये साउथ पोल होना चाहिए, और ऐसा कुछ होगा अर्थ. देखो, अगर ये ऐसा ही अर्थ है तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करवाने वाली वर्टिकल लाइन ही लॉन्गिट्यूड कहलाती है. कोई डाउट है? अगर यही आप लोगों के हिसाब से अर्थ है तो इस अर्थ का ये है वर्टिकल प्लेन. अगर यही वर्टिकल प्लेन है अर्थ का तो गारंटेड है यहां कहीं होगा सेंटर. इस वर्टिकल प्लेन से सेंटर के बीच में अभी देखो एंगल जीरो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जीरो डिग्री लाइन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं. कोई डाउट? ये एंगल मैंने बढ़ाया, प्लीज पे अटेंशन, देखो 40 डिग्री, ये रही 40 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन. ये एंगल मैंने बढ़ा दिया 90 डिग्री, ये रही 90 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन. ये एंगल मैंने बढ़ा के कर दिया 180, ये रही 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन. एंगल 270, एंगल अगेन 0 से 90, 180, 270, 360, तो बन गई. यानी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ आर 360. क्लियर आउट हो गया? लॉन्गिट्यूड्स आर दोज लाइंस व्हिच ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विद एन वर्टिकल एंगल फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन ऑफ द अर्थ. ये टोटल 360 होती हैं. प्लीज पे अटेंशन, मैं कह रहा हूं लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए बनाते हैं. इसका मतलब सारी लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इंटरसेक्ट करेंगी. ये रहा अर्थ जीरो डिग्री लाइन. कोई डाउट? यही अर्थ वन डिग्री लाइन. तो इन वन डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है, देखना पोल से स्टार्ट हुआ इक्वेटर फिर पोल्स, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस. प्री का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर का, आप लगाओगे तो मिलेगा कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर हो रही है? इक्वेटर. मिनिमम डिस्टेंस पोल्स. मिनिमम डिस्टेंस दो बार होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. मैक्सिमम डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक बार है, कहां पर? इक्वेटर. इस वजह से 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इक्वेटर पे होता है, ना कि इक्वेटर से नॉर्थ में, ना कि इक्वेटर से साउथ में. इसी वजह से प्लीज ध्यान देना, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. कितना? अगर 30 डिग्री है इसका मतलब लगभग डिस्टेंस 100 के हिसाब से भी कैलकुलेट करो तो 3000 होनी चाहिए थी,
हाँ या ना, क्योंकि लैटिट्यूड्स यहां है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, और डिस्टेंस जो है वो 3000 किलोमीटर है, पर यहां सिर्फ 2900 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वो टुवर्ड्स द पोल डिक्रीज होती है। कोई डाउट है? क्लियर आउट हो गया? तो लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 होती है। कोई डाउट है? लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन एट अर्थ सरफेस, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन एट अर्थ सरफेस, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन एट अर्थ सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ड्रॉन विथ अ सर्टेन एंगल, ड्रॉन विथ अ सर्टेन एंगल एट, वर्ड हाईलाइट करके लिखना प्लीज, एट, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन, फिर क्या बोला था मैंने, ड्रॉन एट अ सर्टेन एंगल एट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम, सर्टेन एंगल किससे है, फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूड्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, लॉन्गिट्यूड्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इंटरसेक्ट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, चलिए अब दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं जो आपको याद रखनी है, प्लीज ध्यान दीजिए। पहले इधर, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि यही हमारा अर्थ है, अगर यही अर्थ है तो ये अर्थ का एक रोटेशन हो गया, अगर ये अर्थ का एक रोटेशन हो गया इसका मतलब एक रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, अगर एक रोटेशन का मतलब 24 घंटे होते हैं तो क्या 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर में कंसिडर कर लूं? इसका मतलब अर्थ एक रोटेशन घूम रही है, इसका मतलब 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड का चक्कर लग रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब इज ऑल्सो इक्वल टू 24 आवर्स, हाँ या ना? इसका मतलब अगर मुझे टाइम कैलकुलेशन करना हो तो मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्लियर आउट हो गया? तो उनके लिए मुझे रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, एक लाइन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, एक लाइन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन कर रही है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट से पास आउट होती है, कौन से कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट से पास आउट हो रही है, उसके ब्रिटिश आइलैंड से पास होती है, उसके यूके के लंदन से पास आउट हो रही है, लंदन के ग्रीनविच गांव से पास आउट हो रही है। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स में नंबर 1 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट इज ऑल्सो नोन एज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू यूरोप ऑब्लिक ऑब्लिक यूके ऑब्लिक लंदन ऑब्लिक ग्रीनविच विलेज, ऑब्लिक ग्रीनविच विलेज, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां इंटरसेक्ट करती हो वो क्वेश्चन पूछा जाए,
ऐसा इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि अभी एक अर्थक्वेक आया है अफ्रीका के मोरक्को, मोरक्को एटलस माउंटेन के पास है, और एटलस माउंटेन के जैसे ही थोड़ा सा और आप वेस्ट में जाओगे तो अटलांटिक ओशन आ जाता है, वहीं पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, बात समझ रहे हो? तो हो सकता है पूछ ले, तो आप एक वो फैक्ट जरूर लिख लीजिएगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर इन अटलांटिक ओशन जस्ट वेस्ट टू मोरक्को। अटलांटिक ओशन जस्ट वेस्ट टू मोरक्को, ठीक है? डन। चलिए नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री, एक और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री, उसमें लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, also known as international dateline. Next point लिख लीजिए, it is the only imaginary line, ब्रैकेट में लिखिएगा, इमेजिनरी लाइन दो प्रकार की है, लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन करिए लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ब्रैकेट में मेंशन करिए लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, विथ जिगजैग नेचर, ZIGZI, आप समझ गए होंगे zigzag nature, क्लियर? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सारी की सारी लॉन्गिट्यूड जो है वो सीधी खींची गई रेखा है, यही एक अकेली लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसी है जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, it passes through, कहां से पास आउट होती है? बेरिंग स्ट्रेट, इट पासिस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, पीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, इट पासिस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है? बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है? एशिया को अमेरिका से सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है? चलिए अब इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड समझ लीजिए, हेल्प इन टाइम कैलकुलेशन और हेल्प इन डेट कैलकुलेशन, कैसे? इधर ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू, डन, 1 आर इज इक्वल टू, डन, इसका मतलब 1 आर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बराबर होता है, कोई डाउट है? अब यही जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करती है, जैसे कि लैटिट्यूड्स करती है, लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ऐसे ही 0 डिग्री जिसे मैं प्राइम मेरिडियन कह रहा हूं वो डिवाइड करती है अर्थ को ईस्ट हेमिस्फीयर और, कोई डाउट है? अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कंसिडर कर लू यही हमारा अर्थ है, इसका रोटेशन है वेस्ट टू, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, कहीं भी आप आपके हिसाब से सन कंसिडर कर लो, अगर मैं मान लेता हूं सन यहां है तो इमेजिन करो अर्थ जब वेस्ट से ईस्ट घूम रही होगी तो किसी भी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पोर्शन पहले सन की तरफ जाएगा, इसका मतलब सोलर रेडिएशन पहले कहां गिरते? ईस्ट साइड में गिरते हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू। अगर आप इधर भी कंसिडर करना चाहते हो सन, तो आप मान लो ये देखो आपके हिसाब से ईस्ट ही है, ये आपके हिसाब से वेस्ट है, मैं घूम रहा हूं वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्टर्न पोर्शन पहले रिसीव कर रहा है सोलर रेडिएशन, इट मींस ईस्टर्न एरियाज एट द सरफेस ऑफ अर्थ रिसीव सोलर रेडिएशन फास्टर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, बिकॉज अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू
इसलिए मैं मान लूं कि ईस्ट की घड़ियां जो हैं कंपैरेटिवली क्या चलती है, फास्ट। इसका मतलब अगर आपको ईस्ट में जाना है 0 डिग्री से तो टाइम एड ऑन होगा, क्लियर। अगर आप 0 डिग्री से वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम माइनस होगा। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अर्थ एक स्फेयर है, उस स्फेयर का मोशन है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ऐसा मोशन करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। अगर मैं सन यहां कंसिडर कर रहा हूं तो सन से हमेशा सोलर रेडिएशन आ रहा है, वो सोलर रेडिएशन इस अर्थ के हमेशा ईस्ट साइड में पहले गिरता है एज कंपेयर टू वेस्ट, क्योंकि मेरा रोटेशन है वेस्ट टू। इस वजह से मैंने ईस्टर्न एरियाज में टाइम प्लस कर दिया, वेस्टर्न एरियाज में टाइम माइनस कर दिया। इसका मतलब प्लीज समझना, यही गुजरात है जो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। कहां पर? यह है मध्य प्रदेश जो अराउंड 78 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर है। कहां पर? शायद आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट 21, 6, 26, 3 लैटिट्यूड, 74, 72, 84। तो मैं मान लू ये कहीं ना कहीं 75, 78 पर है, आया ना। तो ये रहा 68, 78, ये रहा 97, तो मैंने वाल दिया कि 98, क्लियर आउट हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश, तो देखो यहां से 15-15 डिग्री का डिफरेंस निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये 15 डिग्री या ये 15 डिग्री, तो ऐसे टोटल डिग्रीज का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब यहां पर अगर सन 6 बजे निकलता है तो गारंटेड है यहां 2 घंटे पहले ही नजर आएगा, आया ना। इसी वजह से जब मैं ईस्ट में जाता हूं टाइम कैलकुलेशन के लिए, तो क्योंकि ईस्टर्न एजेस पे टाइम थोड़ा प्लस होता है, इसलिए अगर मुझे 0 डिग्री से ईस्ट में जाना है, कहां 0 डिग्री से ईस्ट में जाना है तो टाइम, अगर 0 डिग्री से वेस्ट में जाना है तो टाइम, हर 15 डिग्री के बाद टाइम कितना बढ़ेगा, अगर इसको भी मैं कैलकुलेट कर लूं तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू, अगर ये 1 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब 4 मिनट 1 डिग्री में चेंज होंगे, कोई डाउट है? इसका मतलब वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ अ 1 डिग्री टाइम इंक्रीज विथ, इफ ए मूवमेंट टुवर्ड्स ईस्ट विथ अ 15 डिग्री टाइम इंक्रीजेस विथ, क्लियर आउट हो गया। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए टाइम कैलकुलेशन विथ लॉन्गिट्यूड, टाइम कैलकुलेशन विथ लॉन्गिट्यूड, टाइम कैलकुलेशन विथ लॉन्गिट्यूड। उसमें लिखिएगा टोटल 360 लॉन्गिट्यूड, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 रोटेशन, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स, इज इक्वल टू 24 आवर्स। यहां तक समझ में आ गया? नीचे वाली दूसरी लाइन में लिख लीजिए, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, उसको बॉक्स में बंद कर लो। दूसरी लाइन में लिख लीजिए या इसी के आगे लिख लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, अगेन इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। बीच में बस एक ऐसी लाइन खींचेगा, बीच में एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, छोटी सी एक ऐसी लाइन खींच लीजिए जिसमें लिख लेना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और एक एरो बना देना टुवर्ड्स ईस्ट, एक एरो बना देना टुवर्ड्स वेस्ट। ये इतनी सी लाइन खींच लीजिए, इसमें लिख लो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इस साइड एरो बना दो, लिख लो टुवर्ड्स ईस्ट, इस साइड एरो बना दीजिए, लिख लीजिए टुवर्ड्स वेस्ट, इधर लिख लीजिएगा 1 आवर प्लस विथ, किसके साथ, 15 डिग्री के साथ, या फिर लिख लीजिए 4 मिनट प्लस विथ, सेम इधर माइनस लिख लीजिए। ये समझ आ रहा है ना, मेंशन कर लीजिए फटाफट। डन,
देन एक्चुअल में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनाइटेड किंगडम में अभी 5 बजे हुए हैं, तो बताइए जापान में कितना बजा हुआ होगा। इसके लिए हमें पूरा मैप पता होना चाहिए। पीएससी इतने टफ नहीं पूछेगा क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है। पीएससी कुछ ऐसा जरूर पूछ लेता है कि यूनाइटेड किंगडम में 7 बज रहे हैं तो बताइए इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, क्योंकि हमें यूनाइटेड किंगडम 0 डिग्री पर मेंशन है ये पता है, इंडिया 82.5 डिग्री से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ये पता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 5.5 घंटे का होता है ये भी हमें पता है, इस वजह से ईस्ट में हम 5.5 घंटे प्लस कह देते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो समझिएगा प्लीज। ये है 0 डिग्री, कोई डाउट? ये इंडिया, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ। प्लीज ध्यान दो, अगर मैं 0 डिग्री से 82 तक जाऊंगा तो क्या पहले 15 डिग्री आएगा? आया ना। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, आया ना। 75 के बाद देखो 76, 7, 8, 9, फिर 80 हो गया, 102, टोटल 7, 7.5 डिग्री और मुझे आगे जाना पड़ रहा है। वो जो बॉक्स बनाए थे उसमें ये और लिख लीजिएगा यार प्लीज, 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, ये अंडरस्टूड है बट फिर भी मेंशन कर लीजिए आप, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब आप कैलकुलेट करके बता दो यहां पर टोटल आर्स कितना आगे जा रहा हूं मैं। हर 15 डिग्री 1 घंटा होता है तो 75 तक 5 घंटे हो चुके होंगे, उसके बाद मेरे पास 7.5 और बज रहा है, 7.5 का मतलब मैंने बता दिया 30 मिनट है, तो टोटल कितना आगे चला गया। आई बात समझ में? फिर से ध्यान देना प्लीज, ये समझ आ रहा है ना? अगर ऐसा ही है, ये 0 डिग्री है, यहां पर है यूएसए, अगर यही 0 डिग्री है तो यहां पर है यूएसए, लगभग 82.5 डिग्री वेस्ट में, कहां पर 82.5 डिग्री, तो अगर यहां पर टाइम 12 बज रहे हैं तो यहां पर टाइम क्या होना चाहिए? जल्दी 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 5.5 घंटे कम कर दूं, अगर यहां 12 बज रहे हैं तो वेस्ट में 5.5 घंटे, डन। अब यूएसए का टाइम है 10, यूएसए का टाइम है, तो 0 डिग्री का टाइम क्या होना चाहिए? यूएसए का टाइम है 10, तो 0 डिग्री का टाइम 3.5, ये देखिए प्लीज, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, अगर डाउट आए तो पूछ लेना प्लीज, 82.5 डिग्री, इतना ठीक है, 82.5 डिग्री, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये 0 डिग्री है तो 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, और ये 7.5। अगर ये, मैंने बोला ये 10 बज रहे हैं तो इधर 10 बज रहे हैं तो इधर 30 मिनट्स प्लस 5 आवर्स, क्लियर, 10 के बाद 5 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 3 प्लस 30 मिनट्स, कोई डाउट? इतना तो आ रहा है ना समझ में? अब अगर कोई बोल दे कि यहां पर 3:30 बजे तो यहां क्या टाइम होना चाहिए, 3:30 है प्लस 75 डिग्री का 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब 4 o'clock, और 5 बचे ही हुए हैं, देखो आ रही है बात समझ में? ऐसे कैलकुलेशन है कि हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का टाइम एड ऑन होगा ईस्ट में, हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का टाइम वेस्ट में कम हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो रट लो थोड़ा सा,
15 डिग्री ईस्ट एक घंटा, 15 डिग्री वेस्ट एक घंटा, इधर ज्यादा इधर कम, कोई डाउट है? आ गया समझ में? अब आप में से अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें तो 24 घंटे का चक्कर लगाना है, देखो ये रहा 0 डिग्री, यही है 0 डिग्री, ये देखो अगर यही 0 डिग्री है तो 15 अप टू 90 180, क्लियर आउट हो गया? जैसे ही आप 90 तक पहुंचे होंगे क्या 6 घंटे बढ़ गए होंगे? 15 6 90, बात समझ में आ रही है? ये 6 घंटे इंक्रीज, 90 से 180 अगेन 6 घंटे इंक्रीज। इसको जैसे ही आपने क्रॉस किया तो ये 0 डिग्री थी तो यहां पर गारंटीड है 180 डिग्री आ चुकी होगी, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, पूरा चक्कर लगा लिया तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब मैं देखो 12 बजे चलना शुरू किया था, 1 2 3 ये हो गए 6 12, फिर वापस 6 फिर 12, तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने 24 घंटे का चक्कर लगाया? मैं अगर अपनी घड़ी में घुमा रहा हूं मैनुअल तरीके से तो क्या मेरी डेट बढ़ गई होगी? क्योंकि मैंने किस डायरेक्शन में चक्कर लगाया? ईस्ट, ईस्ट में टाइम। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं फ्यूचर में जा सकता हूं तो उसको काउंटर करने के लिए हमने पीछे बना दी क्या इंटरनेशनल डेट, ये समझ आ रहा है? ये लाइन बना दी मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन। अब मैं जब 0 डिग्री से मूव कर रहा था टुवर्ड्स ईस्ट और ईस्टर्न हेमिस्फीयर से क्रॉस कर रहा हूं इंटरनेशनल डेट लाइन को टुवर्ड्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो मुझे मैन्युअली अपनी एक डेट कम करनी पड़ती है। ये बात समझ में आई? अब देखो 1 तारीख को मैंने चलना शुरू किया था, डेट कम हो गई, देखो कौन सी आ गई 31st, पूरा चक्कर लगा लिया तो मैंने डेट बढ़ाई कि वाह वाह फ्यूचर में आ गया 24 घंटे, तो वापस कौन सी डेट रिमेन्स सेम, एक ही तारीख। इसका मतलब टाइम बढ़ता है पर डेट, उसको काउंटर करने के लिए मैंने लगा लिया इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं होता पर वो पूछता है कि जब मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा हूं वाइल क्रॉसिंग, मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा हूं वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन, तो मेरा डेट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, बात समझ रहे हैं आप? क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न की तरफ जाऊं वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन तो डेट, कोई डाउट है? क्लियर, लिख लीजिए फैक्ट। इफ अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इफ अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन टाइम इंक्रीजेस बट वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन But while crossing international date line from Eastern Hemisphere to Western Hemisphere, date क्या होगी? Date should be decreases with 1 day. क्लियर आउट हो गया? एंड वाइस वर्सा इसी का उल्टा आप समझ गए होंगे, अगर इधर से जाऊंगा तो डेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि एक ही लॉन्गिट्यूडनल लाइन अर्थ की सरफेस पे ऐसी है जिसका नेचर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा है आप समझ चुके होंगे, अगर वो लाइन यहां से पास आउट हो रही होती तो ये बोल रहे होते कि आज पीएससी का पेपर है और ये लोग बोलेंगे कि हम कल जाएंगे पेपर देने, समझ रहे हो? डेट का कॉन्फ्लिक्ट आता इस डेट लाइन की वजह से, इसलिए उस लाइन को कुछ ऐसा मैंने बनाया है कि वो हमेशा किसी कॉन्टिनेंट से पास आउट नहीं हो, सिर्फ ओशियंस से पास आउट हो, क्योंकि ओशियंस में कोई रहता नहीं है तो डेट के क्लैशेज होंगे नहीं। क्लियर आउट हो गया? इस वजह से यही नोट डाल के लिख लीजिए,
द नेचर ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, द नेचर ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज zigzag टू अवॉइड डेट कॉन्फ्लिक्ट्स, टू अवॉइड डेट कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लियर. एंड इट पासिस थ्रू ओशियंस, एंड इट पासिस थ्रू ओशियंस, क्लियर. कोई भी कॉन्टिनेंट से पास आउट नहीं होती है, ये सिर्फ ओशियंस से ही पास आउट होती है, ठीक है. दैट्स इट, बस यहां खत्म होती है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. पर लॉन्गिट्यूड का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर सुन लीजिएगा प्लीज. अगर मैं अर्थ को कंसिडर कर रहा हूं तो अर्थ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जिन्हें मैं लैटिट्यूड्स कह रहा हूं, इसी अर्थ पे एक लाइन और मैं बता रहा हूं जिन्हें मैं वर्टिकल लाइन्स कह रहा हूं. लैटिट्यूडनल लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस है प्लस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है. अगर मैंने 38 डिग्री लैटिट्यूड बोल दिया तो आप जज नहीं कर पाओगे 38 डिग्री लैटिट्यूड्स कहां पर होगी, वो पूरा अर्थ का सर्कमफ्रेंस हो सकता है. क्लियर आउट हुआ. इसलिए जब कभी भी नेविगेशन किया जाता है तो वो लॉन्गिट्यूड के सहारे होता है. किसके सहारे, क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूड आर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. क्लियर. ये क्वेश्चन जरूर प्री में पूछा गया है कि नेविगेटर्स अगर नेविगेशन कर रहे होंगे तो वो किस लाइन के अलोंग करेंगे, लैटिट्यूड्स के अलोंग करेंगे या लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग करेंगे. तो किसके अलोंग मूवमेंट होगा, लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग होगा. नोट डाल के लिख लीजिए, नेविगेशन इज अलोंग विथ longitude because they are perpendicular, because they are perpendicular, and perpendicular is the shortest distance between two place. They are perpendicular and perpendicular is the shortest distance between two places. ठीक है, दैट्स इट. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स खत्म. कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए. कोई भी पॉइंट आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में नहीं समझ में आया तो पूछिए फटाफट. लुसेंट आप सब लोगों के पास है सब लोगों के पास. अगर आपके पास लुसेंट हो तो सिर्फ एक एक टॉपिक जो है वो, अगर हम जो कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब हम मैपिंग करेंगे तो मैं बता दूंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास आउट होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहां कहां से होती है और इक्वेटर कहां कहां से होती है. नहीं भी तो भी ये वाला जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें लुसेंट में मेंशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास आउट होती है, इंटरनेशनली कौन कौन सी कंट्रीज से. ऐसे ही इक्वेटर का और ऐसे ही कैप्रिकॉन का एक नजर जरूर मार लीजिएगा. अगर गलती से कभी आता है तो धुंधला आपके सामने रहेगा तो ऑप्शन चूज करने में हेल्प आउट हो जाएगी. वो चीज बस हमने डिस्कस नहीं करी, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी कॉपी में मेंशनड है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सब लोग बोर्ड पे ही ध्यान दीजिएगा प्लीज. पहले मैं बात कर रहा हूं रोटेशन की, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग. पहले मैं बात कर रहा हूं रोटेशन की. रोटेशन का मतलब होता है ऐसा एक सर्कल या चक्कर फ्रॉम वेस्ट टू अराउंड एक्सेस जो कि इंक्लाइंड है. कोई डाउट है, ये रोटेशन मोर और लेस
24 आवर्स में होता है, मोर और लेस वन डे में होता है, क्लियर। इस रोटेशन की वजह से एक एरिया जो है वो डे एक्सपीरियंस करता है और एक एरिया, क्लियर आउट हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक, शायद कल किसी ने एक डाउट पूछा था या पता नहीं कहीं एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, डे और नाइट चेंज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डे और नाइट। एक टर्म होती है लेंथ ऑफ डे एंड लेंथ ऑफ नाइट, इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दिन का अवधि, रात की जो अवधि है जिसे मैं लेंथ ऑफ नाइट कह रहा हूं, वो बहुत ज्यादा होती है इन विंटर, बहुत कम होती है इन समर। तो लेंथ जो है वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से चेंज हो रही है, रोटेशन की वजह से सिर्फ दिन और रात में परिवर्तन होता है। कोई डाउट हो गया? रोटेशन अराउंड एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट 24 आवर्स, क्लियर। वन डे चेंज इन डे एंड, इधर ध्यान दीजिए, अगर यही मैं अर्थ कह रहा हूं, ये मैंने नाइट बताया, ये मैंने डे बताया, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे नाइट वाले एरिया पर टेम्परेचर, डे वाले एरिया पर टेम्परेचर, पर ये हर 12 घंटे में। कोई डाउट है? फिर से ध्यान दीजिए प्लीज, ये जो नाइट वाला एरिया है, क्या इस पे कोई माउंटेन हो सकता है? हो सकता है, इधर वाली अर्थ पर देखो, यूएसए में अभी रात हो रही होगी, तो वहां पर कोई माउंटेन नहीं है क्या? एंडीज रॉकीज है, क्लियर आउट हुआ। क्या वहां पर आसपास कोई ओशियन हो सकते हैं? क्या वहां पर कोई वैलीज हो सकती है? इसका मतलब प्लीज ध्यान देना, ये माउंटेन और ये वैलीज, ये प्लेन्स और ये ओशियंस और ये अर्थ, सिमिलरली ये माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, ओशियंस और ये अर्थ, ये रहा अर्थ समवॉट। अगर ऐसा ही है तो ये देखो डे, ये नाइट। अगर ऐसा ही है तो प्लेन्स जो होंगे रात में अपना टेम्परेचर रिलीज करेंगे, पर ओशियन जो है वो अपना टेम्परेचर उतनी जल्दी रेडिएट नहीं करते हैं जितनी जल्दी ये प्लेन कर देगा। हां, अगर ऐसा है तो यहां टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर का मतलब प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर की तरफ देखो हवाएं चल रही हैं, जिन्हें मैं कहता हूं लैंड ब्रीजेस। कोई डाउट? लैंड ब्रीज आर दोज विंड्स विच मूव ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स ओशन। इसीलिए बीचेस के किनारे पर रात में जाना मना होता है, क्योंकि आप समुद्र की तरफ गए और हवाएं आपको और अंदर धकेलती ले जाएंगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि रोटेशन का अर्थ की सरफेस पे सिर्फ एक इफेक्ट है, दैट इज ऑकरेंस ऑफ ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज। पीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाबेटिक विंड और कैटाबेटिक विंड क्या होती है? मेंस में भी पूछता है, प्री में भी पूछता है। एनाबेटिक विंड और कैटाबेटिक विंड लोकल ब्रीजेस होती हैं, जो डे और नाइट की वजह से जनरेट होती हैं। एक अपवर्ड विंड होती है, एक डाउनवर्ड विंड होती है। कैसे समझना प्लीज, देखो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 6 बज रहे मान लो या 5 बज रहे, तो सबसे पहले सनलाइट जो है वो टॉप फ्लोर पे आई होगी। देखो जैसे ही 8 बजे तो थोड़े नीचे, 9 बजे तो और नीचे, 10 बजे तो और नीचे, मतलब दिन के समय सबसे पहले गर्म कौन हो रहा है? माउंटेन का पीक। माउंटेन का पीक गर्म हो गया तो टेम्परेचर क्या हुआ? पर वैली वाले एरिया पर कोई सनलाइट आई क्या? अगर नहीं आई तो वैली अभी भी क्या है? ठंडा, मतलब प्रेशर, यहां पर प्रेशर, हाई प्रेशर से विंड मूव करी टुवर्ड्स, इसका मतलब दिन के समय में वैली से विंड मूव करती है टुवर्ड्स माउंटेन्स, जिन्हें हम अपवर्ड विंड कहते हैं या कैटाबेटिक विंड कहते हैं। कोई डाउट आ रही है बात समझ में? हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशन लिखना शुरू करिए फटाफट।
मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अलोंग एक्सिस, मोशन ऑफ अर्थ अलोंग एक्सिस, इन इन वन डे और 24 आवर्स इसकी वजह से हो क्या रहा है, ड्यू टू विच, नेक्स्ट वन लिख लीजिए, चेंज इन, चेंज इन डे एंड, चेंज इन डे एंड नाइट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगेन कोई डाउट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, रोटेशन कॉज, रोटेशन कॉज द मूवमेंट ऑफ, रोटेशन कॉज द मूवमेंट ऑफ ब्रीजेस, रोटेशन कॉज द मूवमेंट ऑफ ब्रीजेस, कोई डाउट है यहां तक, क्लियर आउट हो गया। एक टेबल बनाइएगा, एक टेबल जिसमें इधर लिख लीजिएगा ब्रीजेस, इधर सिर्फ ब्रीजेस, और सामने हम लिख लेंगे कब चलती है और किसकी वजह से चलती है, ठीक है। एक टेबल बना लीजिए जिसमें एक कॉलम में लिख लीजिए ब्रीज, सबसे पहला लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज कब चलेगी ये, नाइट, ड्यूरिंग नाइट, उसके सामने लिख लो ड्यूरिंग नाइट। दूसरा पॉइंट लिख लो, कहां से कहां चलती है, फ्रॉम लैंड टू सी, फ्रॉम लैंड टू सी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट अपोज, इट अपोज द मूवमेंट ऑफ डाइवर्स एंड फिशरमैन, द मूवमेंट ऑफ डाइवर्स एंड फिशरमैन टुवर्ड्स द कोस्ट, टुवर्ड्स द कोस्ट, क्लियर। इट इट अपोज द मूवमेंट ऑफ डाइवर्स, जो डाइव करते हैं, सर्फर्स होते हैं डाइवर्स, एंड फिशरमैन, एंड फिशरमैन टूवर्ड्स कोस्ट, सही लिख रहे हैं ना, इसका मतलब कोस्ट की तरफ आने में अपोज करती हैं ये हवाएं, जो समुद्र से कोस्ट की तरफ आते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए दूसरा, सी ब्रीज, सी ब्रीज कब चलेंगे ये, ड्यूरिंग डे टाइम, सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फ्रॉम सी टू लैंड, फ्रॉम सी टू लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे सपोर्ट, सपोर्ट सर्फर्स डाइवर्स एंड फिशरमैन, दे सपोर्ट सर्फर डाइवर्स एंड फिशरमैन, आपको समझ में आ गया होगा क्या सपोर्ट कर रहा है, मूवमेंट सपोर्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी कोस्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए माउंटेन ब्रिज, नेक्स्ट लिख लीजिए माउंटेन ब्रिज, कब चलेगी माउंटेन ब्रिज, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड विंड, ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड विंड। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज, हाईलाइट करके लिखना, एनाबेटिक विंड, एनाबेटिक विंड। फिर भी मैं कह रहा हूं एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूजन बहुत रहता है कैटाबेटिंग कहते हैं या एनाबेटिक कहते हैं, पर मैं 90% श्योर हूं को एनाबेटिक ही कहते हैं, फिर भी स्टार मार्क कर लो, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है, कैटाबेटिक कहते हैं, ठीक है लिख लो, चेंज कर, पक्का कैटाबेटिक कहते हैं, माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड विंड है कैटाबेटिक, फिर भी आप सब लोग सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेना, कंफ्यूजन बहुत रहता है प्लीज, ठीक है, हाँ ठीक है, कैटाबेटिक ही कहते हैं, सही है, ऐसे याद रख लो, कोई भी
कुछ भी अपने हिसाब से याद रख लेना, पर मेरे को एकदम ऐसे आ गया कि जैसे छिपकलियां वगैरह होती हैं वो हमेशा दीवार पे काटने के लिए नीचे आएंगी, कैटा काटना, जोक सपाट। ठीक है, नेक्स्ट इज वैली ब्रीज। वैली ब्रीज वैली ब्रीज उसमें लिख लीजिए कब चलेंगी, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे। कहां से? फ्रॉम वैली टू माउंटेन्स, फ्रॉम वैली टू माउंटेन्स। ऑल्सो नोन एज अपवर्ड विंड, ऑल्सो नोन एज एनाबेटिक विंड, अपवर्ड विंड और एनाबेटिक विंड। ठीक है, दैट्स इट, रोटेशन खत्म।